नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। जहां देश में अभी कुछ दिनों पहले ही कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे थे, वहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रोन ने लोगों को डरा कर रख दिया है। और अब हमारा देश यानी कि भारत भी इस वेरिएंट से अछूता नहीं है। देश में अभी तक लगभग 200 से अधिक ओमिक्रोन कोरोना संक्रमण के मामले मिल चुके हैं, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट बैठक रखी, जिसमें उन्होंने राज्य स्तर पर कई मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, वार्ता की और उन्हें सलाह दिया है कि किस प्रकार से इस वर्ष कोरोना संक्रमण से बचाव किया जाए और साथ ही साथ जिस तरह से ये नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रोन से लोगों को खतरा हो रहा है, इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए। इसे लेकर उन्होंने कुछ खास सलाह दी है लोगों को, जिसमें सबसे पहले राज्य में सभी मुख्यमंत्री और वहां के सभी प्रतिनिधियों को ये सलाह दी गई है कि राज्य के जितने भी जिला है वहां पर सबसे पहले कोरोना संक्रमण के टीकाकरण पूरे रूप से किया जाए और साथ ही साथ जितने भी कोरोना संक्रमण से संबंधित गाइडलाइंस जारी की जा रही है, उन सभी गाइडलाइंस का नियम का पूरे तरीके से पालन कराई जाए और राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित जारी दी जाए। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से इस बार उत्सव मनाए जा रहे हैं, त्यौहार मनाए जा रहे हैं, उस पर भी किस तरह से रोक और नियमों का पालन करते हुए लोग इस बार महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में अभी नया साल आने वाला है और नए वर्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में ये जो कोरोना संक्रमण का खतरा है ये और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों को ये पूरी तरीके से सलाह दी है कि अब रात में नाइट कर्फ्यू लगाई जाए, साथ ही साथ रविवार को जितने भी मार्केट है उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दी जाए, शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में कुछ लोगों को ही बुलाया जाए, ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना की जाए और साथ ही साथ शादी विवाह जैसे समारोह या फिर किसी बड़े समारोह या किसी के मरने के समय कम मात्रा में रह रहे लोगों के साथ ही इस समारोह को किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने लोगों को डरा कर रख दिया है, चिंतित कर रख दिया है।